जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या 10 भोजन बनाना, पाठ संख्या 10 भोजन बनाना को आगे से अध्ययन करेंगे। क्या है इस पाठ में आगे देखो। अब हमें खाना पकाने के लिए विभिन्न तरीकों का पता चल गया है। चित्र में क्या है, ग्रामीण परिवेश की रसोई में खाना बनाते हुए यहाँ देखो, एक महिला जो है ग्रामीण परिवेश मतलब चूल्हे पर, कच्चे चूल्हे पर जो है खाना बना रही है। अब आगे क्या है, सोचिए और लिखिए प्रश्नों का अध्ययन हमें करना है। क्या है इसमें, आपके घर में खाना कौन बनाता है? प्रश्न क्या है 9वां, आपके घर में खाना कौन बनाता है? उत्तर क्या लिखना हमें, मेरे घर में खाना मेरी माताजी बनाती है। क्या है प्रश्न, आपके घर में खाना कौन बनाता है? तो उत्तर हमें लिखना है, मेरे घर में खाना मेरी माताजी बनाती है। मेरे घर में खाना मेरी माताजी बनाती हैं। फिर क्या है 10वां प्रश्न, सामूहिक अवसरों पर खाना कौन बनाते हैं? तो उत्तर क्या लिखना है हमें, सामूहिक अवसरों पर खाना हलवाई द्वारा बनाया जाता है। सामूहिक अवसरों पर खाना जो है वो हलवाई द्वारा बनाया जाता है। इन्हें रसोइया, महाराज, खाना सामा नाम से भी जाना जाता है। सामूहिक अवसरों पर खाना जो है हलवाई द्वारा बनाया जाता है। इन्हें रसोइया, महाराज, खाना सामा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या है 11वां प्रश्न, होटल, रेस्तरा आदि में खाना कौन बनाता है? क्या है 11वां प्रश्न, होटल, रेस्तरा आदि में खाना कौन बनाता है? तो हमें उत्तर क्या लिखना है, होटल, रेस्तरा आदि में खाना पुरुषों द्वारा बनाया जाता है। होटल, रेस्तरा आदि में खाना जो है वो पुरुषों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, होटल, रेस्तरा आदि में खाना जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? पुरुषों के द्वारा बनाया जाता है। वापस देखो, आपके घर में खाना कौन बनाता है? तो हमें उत्तर क्या लिखना है, मेरे घर में खाना मेरी माताजी बनाती है। फिर 10वां क्या है, सामूहिक अवसरों पर खाना हलवाई द्वारा बनाया जाता है। इन्हें रसोइया, महाराज, खाना सामा नाम से भी जाना जाता है। सामूहिक अवसरों पर खाना हलवाई द्वारा बनाया जाता है। इन्हें रसोइया, महाराज, खाना सामा नाम से भी जाना जाता है। 11वां क्या है, होटल, रेस्तरा आदि में खाना कौन बनाता है? तो उत्तर है, होटल, रेस्तरा आदि में खाना पुरुषों द्वारा बनाया जाता है। होटल, रेस्तरा आदि में खाना जो है वो पुरुषों द्वारा बनाया जाता है। 10वें पाठ में हमने आगे क्या पढ़ा, अब हमें खाना पकाने के विभिन्न तरीकों का पता चल गया है। ग्रामीण परिवेश की रसोई में खाना बनाते हुए, यहाँ देखो एक औरत या महिला जो है वो ग्रामीण परिवेश में खाना बना रही है। दिखाई दे रहा ना, कच्चा चूल्हा है, ठीक है, ईंधन की सहायता, लकड़ियों के ईंधन की सहायता से जो है खाना बनाया जा रहा है। ठीक है, ये ग्रामीण परिवेश की रसोई है। ठीक है, फिर आगे हमें सोचिए और लिखिए नामक प्रश्नों का हल करना है। क्या है सोचिए और लिखिए में प्रश्न, आपके घर में खाना कौन बनाता है? तो हमें उत्तर क्या लिखना है, मेरे घर में खाना मेरी माताजी बनाती है। मेरे घर में खाना मेरी माताजी बनाती है। क्या है, आपके घर में खाना कौन बनाता है? तो हमें उत्तर क्या लिखना है, मेरे घर में खाना मेरी माताजी बनाती है। फिर 10वां प्रश्न क्या है, सामूहिक अवसरों पर खाना कौन बनाते हैं? तो हमें उत्तर लिखना है, सामूहिक अवसरों पर खाना हलवाई द्वारा बनाया जाता है।
सामूहिक अवसरों पर खाना जो है वो हलवाई द्वारा बनाया जाता है। इन्हें रसोईया, महाराज, खानासामा नाम से भी जाना जाता है। इन्हें रसोईया, महाराज, खानासामा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सामूहिक अवसरों पर खाना किसके द्वारा? हलवाई द्वारा बनाया जाता है। फिर 11 है, होटल, रेस्तरा आदि में खाना कौन बनाता है? तो हमें उत्तर लिखना है, होटल, रेस्तरा आदि में खाना पुरुषों द्वारा बनाया जाता है। होटल, रेस्तरा आदि में खाना पुरुषों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।